तो आज हम सीखेंगे बैंगन की सब्जी बनाना जो बेहद टेस्टी बनने वाली है। तो चलिए इसे बनाते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई रख देंगे हम और उसमें डाल देंगे ऑयल। ऑयल गर्म होने पर हम डाल देंगे इसमें एक चम्मच धनिया, एक चम्मच जीरा और 8 से 10 कलियां लहसुन की डाल देंगे कट करके, जिससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद हम इसमें एक प्याज डाल देंगे बारीक कट करके और इस साथ ही में मैंने इसमें हरी मिर्ची डाल दी है कट करके। इसके बाद हम इसमें एक चम्मच नमक डाल लेंगे, जिससे कि हमारा प्याज जो है बहुत अच्छे से भुन जाएगा। जैसे ही प्याज हमारा भुन जाएगा उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद मैं यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दूंगी, चुटकी भर हींग पाउडर डाल दूंगी। बैंगन की सब्जी में हींग पाउडर ज़रूर डालें। साथ में डाल देंगे हम एक टोमेटो कट करके और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद ये जो बैंगन है मैंने अच्छे से धोकर कट कर लिए हैं और इस मसाले में हमें इस बैंगन को अच्छे से मिक्स करना है सब्जी को। और ये ध्यान रखें कि ये सब्जी जो है हम ढक्कन लगा के बिल्कुल नहीं पकाएंगे, स्लो फ्लेम पे पकाएंगे हम ये सब्जी, बिल्कुल धीमी आंच पे और ढक्कन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ढक्कन लगाने से बहुत ज़्यादा पक जाती है। तो ये देखिए हमारी सब्जी जो है बनके बिल्कुल तैयार है। 10 से 15 मिनट लगे हैं इसे और ये बहुत ही लाजवाब बनी थी। फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।